हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो कल करवा चौथ थी, इसीलिए मैं आज थोड़ी रेडी ही दिख रही हूँ आपको, सिंदूर बिंदूर लगा के। बट जनरली मैं नॉर्मल वीडियोस के लिए सिंदूर बिंदी जनरली नहीं लगाती, बट सिंस कल ही करवा चौथ था और आज ही मुझे ये वीडियो फिल्म करनी है, तो मेरे को हेड वॉश नहीं लेना था, तो आई वॉज लाइक लेट जस्ट फिल्म इट। ओके, सो बिफोर आई गेट इन टू द रिव्यू और मैं एक्चुअली प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू करूँ और उसके स्वॉचेस दिखाऊँ आपको, उससे पहले मुझे थोड़ा सा एक पॉइंट रखना है जो मुझे लगता है इस स्टेज पर बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। नाउ नायका इज बिंग लॉन्चिंग एवरी वीक, हर हफ्ते कुछ नया आता है, आप सब नहीं खरीद सकते। दूसरी बात, क्या ये मुझे चीज़ें इंटरेस्ट कर रही हैं? नहीं। और मुझे लगता है बहुत से लोगों को कि न्यू लॉन्चेस एक्साइट नहीं कर रहे, इट्स नॉट एक्साइटिंग, इट्स नॉट हैपनिंग। आर दे लॉन्चिंग समथिंग वेरी रिपिटेटिव? येस, इन रिगार्ड्स टू लिपस्टिक। लिपस्टिक क्यों? क्योंकि शेड्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। अगर उनके पाउडर पफ लिपस्टिक देखेंगे, जो मैंने एक भी नहीं ली, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि मेरे पास लिपस्टिक्स बहुत हैं और नायका ने ऑलरेडी ये शेड्स लॉन्च किए हैं अपने डिफरेंट वेरिएंट में। यस, फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है, बट आई वुड लाइक टू जस्ट स्किप इट फॉर अ वाइल बिकॉज इट इज़ बेटर आई बाई इट लेटर इन सम डिस्काउंट, बट इज बिकॉज इट इज़ नॉट इन एक्सपेंसिव, इट इज़ एक्सपेंसिव। सो My advice would be कि हर चीज़ ना खरीदें। There is no point buying everything because what will you do with it? अगर आपके पास already एक brown color की lipstick है जो कि exactly same Nykaa में किसी और range में है और आपके पास available है, तो there is no point buying a different formula and paying more. So I would suggest you कि keep a watch what you're buying and अकाउंटेबिलिटी रखिए थोड़ा सा कि वॉट आर यू बाइंग, बिकॉज एवरी कंपनी इज डूइंग दिस नाउ डेज, बट आई स्टिल फील अभी भी देर आर मैनी गुड ब्रांड्स और बिग ब्रांड्स हु हैव नॉट इन टू दिस कैटेगरी ऑफ लॉन्चिंग एवरी वीक, लाइक लॉरियल, मेबलिन, फेसिस कैनेडा। ये सारे ब्रांड्स हर हफ्ते लॉन्च नहीं करते, जो भी लॉन्च करते हैं, जब भी लॉन्च करते हैं, कुछ डिफरेंट ही लॉन्च करते हैं और हम कुछ ना कुछ ट्राई करने के लिए सोच सकते हैं इसमें से। बट अगर हर हफ्ते कुछ लॉन्च करेंगे तो फिर सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है, जब एवरी वीक दे लॉन्च की, विल आई बी एबल टू बाय, कैन आई अफोर्ड इट, इज इट पॉकेट फ्रेंडली? दीज आर द फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस विच कम एंड देन आई डिसाइड डू आई हैव टू बाय। सो आई वुड सजेस्ट यू कीप अ वॉच व्हाट यू आर बाइंग एंड see some reviews, see, read comments, then buy. Just don't read comments on Nykaa.com because I would say some comments are a little misleading. Because mere saath ye kai baar hua hai, kai baar. So I would say just go to a YouTube channel, or YouTube channel I think is the best. You can go ahead and see a review because wahan pe aapko wo product actually dikhate hain. So ये मुझे एक्चुअली बोलना था आप सबको कि जस्ट बिकॉज कुछ कुछ नया नया आ रहा है मार्केट में तो ना खरीदें, टेक योर टाइम, थोड़ा स्मूथली ले जाएं। बिकॉज सबसे अच्छी ट्रिक बताऊं क्या होती है ब्रांड्स की, द लॉन्च डे पे वो आपको 10% 15% का डिस्काउंट दे देते हैं, वो 10% के चक्कर में आप 2 एक्स्ट्रा लिपस्टिक खरीद लेते हो, बाद में फिर आपको लगता है कि मेरे पास तो ऑलरेडी ऐसा कुछ है, बट जस्ट बिकॉज मैंने खरीद ली है तो अब मुझे वो यूज़ तो करनी ही पड़ेगी। बाद में मुझे ये भी फील होता है कि मेरे इतने पैसे वेस्ट हो गए, मैं इससे तो अच्छा कुछ और खरीद लेती। बींग अ यूट्यूबर, बींग अ कॉन्टेंट क्रिएटर, आई एम सेइंग दिस कि ऐसा होता है हमारे साथ भी, क्योंकि हमें फ्री में कुछ नहीं मिलता, हम सब अपने पैसों से खरीद रहे हैं। तो जस्ट वॉन्टेड टू बी वेरी क्लियर कि नॉट एवरीथिंग इज फ्री, सो सेव योर मनी, हैव अ वॉच। So saying all that, let's move on to today's review because intro बहुत लंबा हो गया, but I really wanted to talk to you everyone because मैं फट से आपको 2 प्रोडक्ट दिखाऊंगी और बोलूंगी ओ माय गॉड ये तो बहुत ही अच्छा है, यू जस्ट नीड इट इन योर लाइफ, ये बहुत ही खराब है, ये सब बोलने से बेटर है कि आई शुड जस्ट एड्रेस दिस पर्टिकुलर इशू। लेट्स मूव ऑन टू टुडेज प्रोडक्ट, एंड टुडेज प्रोडक्ट इज नायका मैटू लास्ट मेटालिक लिक्विड लिपस्टिक। I bought 2 shades. मैंने 2 shades इसलिए खरीदे because मुझे लगा कि 2 shades लूँगी तो थोड़ा अच्छे से आइडिया होगा कि how they apply, how they look, and थोड़ा एक आइडिया मिलेगा क्योंकि दोनों different shades हैं।
इस लॉन्च से पहले इन्होंने ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं किया इस लॉन्च का, तो इट वॉज जस्ट लाइक वन नाइट बिफोर आई कुड सी इट ऑन आईजी स्टोरी कि नायका इज लॉन्चिंग समथिंग न्यू. सो इट वॉज नॉट अ प्री बज, ज़्यादा था नहीं. तो दैट इज वॉट आई एम सेइंग, जस्ट बिकॉज एवरी हफ्ते आप इतना लॉन्च कर रहे हो तो एक वो एक्साइटमेंट ही लेवल खत्म हो गया है. मे बी मुझे लग रहा है ब्रांड का भी एक्साइटमेंट लेवल खत्म हो गया है प्री बज करने में. सो These are the two shades I got. Now the two shades I got is Poker Face and I like it. ये सारे नाम song related हैं जो international Hollywood singers हैं उनके एक एक song पे ये shades dedicated हैं and to the artist. So एंड इसके पीछे मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि नायका ने प्राइस मेंशन नहीं किया है बॉक्स पे, विच आई वाज लुकिंग फॉर. सो ये आपको 625 रुपीस की आएगी और इसमें 5 ml प्रोडक्ट मिलेगा आपको एंड दिस विल लास्ट यू फॉर 2.5 ईयर्स एज मच एज आई नो. डब्बे पे तो कहीं लिखा नहीं है बट इतना मुझे पता है कि नायका की जनरली प्रोडक्ट्स 2.5 ईयर्स आपको लास्ट करते हैं. ओके, सो इस डब्बे पे क्या लिखा है, लेट्स टॉक क्विकली. मैट टू लास्ट मेटालिक लिक्विड लिपस्टिक फॉर्मुलेटेड इन इटली. प्रिपेयर योरसेल्फ टू मूव ओवर मैट एंड मेक अ मेटालिक स्टेटमेंट. दिस लाइट वेट फॉर्मूला ग्लाइड्स ऑन लाइक अ ड्रीम, मेकिंग योर लिप्स फ्लश पर्ली एंड फुल. विद इट्स सुपर फ्लैटरिंग पर्लाइज फिनिश, एक्सपेक्ट कलर्स टू ट्रांसफर प्रूफ एंड इट्स नॉट गोइंग Anywhere until you decide to take it off. Now ignite your inner diva while flaunting those bold lips. The key points are it's lightweight and non-drying, enriched with vitamin E and kiss proof. Generally they're all the lipsticks are enriched with vitamin E. It's vegan, not animal tested, paraben free, dermatologically tested and no preservatives. One more thing I would like you to mention that when they were showing it before the launch on IG, they were showing these metallic lipstick as a dual purpose and you can use it as an eyeshadow also. Even on their page also they have written it, but they have primarily marketed this particular range as lipstick. So if it doesn't work out like an eyeshadow, then I think we cannot complain much, but it is supposed to work as an eyeshadow also. So that's it all about the outer box. Let's get into the product itself. So this is how the two metallic liquid lipsticks look like. Oh my god, I'm just thinking 100,000 times how will I apply these. Oh my god, how they're going to look on me. So yeah, this is how they look. I really like the packaging. It's like their usual packaging. It is very similar to their Nykaa Matte Last Mini Liquid Lipstick. The down below body and the top body is somewhat similar to their Nykaa's Demi Matte Liquid Lipstick. It's a combination of both. It looks very classy, very nice, very reflective. You can see that. And only the shade name and the shade color will be mentioned here and the date when it is being manufactured. So yeah, this is like a basic detail. You get 5 ml for 625. Is it inexpensive? No. Is it expensive? Yes. I still feel paying 625 for these kind of lipstick is still a little dicey part for me because the shades may not show the way they are supposed to because they are metallic. Not everyone likes metallic, and for that matter, let's see how they perform as an eyeshadow. So what we are going to do is let's apply some on eyes first and then I'll give you a lip swatch so that you know what I'm talking about. Have I used it? Yes. Just yesterday I used it, just like that I used it. So I have some thoughts about it. So let's get into some lip swatching.
गर्ल्स, आई शैडो ऑलमोस्ट सूख ही गया है, इट्स ड्राई डाउन. मैंने लाइनर मस्कारा लगा लिया एंड मैंने सोचा कि लेट मी चेंज अप माई लिपस्टिक एंड वेयर द मेटालिक जस्ट टू शो यू. नाउ यू हैव ऑलरेडी सीन दिस वॉचेस, सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. द अदर शेड वॉज वे टू ऑफ फॉर मी. वो तो आप पहन ही नहीं सकते एज लिपस्टिक. यू हैव टू just top it up on any other lipstick just to give a little more metallic effect. But this shade you can still pull it off, but me, I cannot. It's a good shade, but it just that ki thoda sa off lag raha hai. Dusri baat, pigmentation darker shade ki zyada achi hai lips par. Lighter shade ki pigmentation is not that good on lips. It will take some extra swipes of lipstick on your lips. Eyes pe both worked wonderful. So all in all, on the eyes, they perform really well. Extraordinarily 100 on 100. Pigmentation, drying, lightweight, the color payoff, the smoothness, it's up-notch, very good. The lips pe, it's just filling into my fine lines, which is not pleasant for me. आप देख रहे हो, मतलब वो ऑलरेडी मेरे लाइन से भर चुका है और मुझे ये लिपस्टिक पहन के कोई 4 घंटे नहीं हुए हैं. इट इज़ लाइक हार्डली 2 मिनट्स आई हैव वोन दिस लिपस्टिक. सो इट इज़ गोइंग टू फिल इन योर फाइन लाइन्स विच इज़ नॉट लुकिंग गुड. यस, इट इज़ मैट. देखिए, अगर आप ऐसे करोगे तो आपके लिप्स कैसे हो जाएंगे. और ही बहुत ही भयंकर दिख रहे हैं मेरे लिप्स अब तो. एंड लेट जस्ट गिव अ लिटिल ट्रांसफर टेस्ट बिकॉज इट सेज इट इज़ किस प्रूफ. See, it doesn't transfer. It is properly matte. So you will feel a little drying after some time. So the best application for them to use as a lip shade, use it on a lipstick. I would highly suggest you do that. It will look very pretty. Dusra, all in all, the staying power with this formula, obviously it is going to be more. It doesn't come off easily. इसको निकालने के लिए आपको एक अच्छा माइसलर वाटर चाहिए. अगर आप सोचोगे कि आप टिश्यू पेपर लोगे और लिपस्टिक निकल जाएगी तो नहीं निकलेगी, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. सो ऑल इन ऑल द स्टेइंग पावर इज गुड. सो सिंस इट इज मैट, इट स्टेज प्रीटी लॉन्ग ऑन द आईज. आफ्टर 6 to 7 hours योर आईज विल स्टार्ट गेटिंग क्रीसी. इट इज गोइंग टू बिकॉज ऑफ योर ओन स्वेट. लिप्स, it is going to stay till the time you don't eat anything extraordinary. Even if you eat anything extraordinary, your lipstick is going to be like this. I have tried it with the food also. So all in all, the staying power, pigmentation, everything is good. If they would have marketed it as an eyeshadow than a lipstick, I feel they should have marketed this product altogether as an eyeshadow than a lipstick, because I still feel not many people are going to buy this as a lipstick, but they are definitely going to buy it as an eyeshadow. अगर मुझे और शेड इसमें खरीदने होंगे तो मैं एज एन आई शेडो ही खरीदूंगी. और मैंने जब इसे खरीदा भी था तो मैंने एक आई शेडो ही सोच के खरीदा इसे. मैंने कभी ये सोच के नहीं खरीदा इसे कि मैं इसे एज अ लिपस्टिक लगाऊंगी. बिकॉज लेट्स बी रियल, देर आर मैनी लिपस्टिक्स इन इंडियन मार्केट, दे आर नॉट मेटालिक, बट इतनी लिपस्टिक है, वाई डू वी नीड अ मेटालिक वन. बिकॉज आई नो मेटालिक फॉर्मूला बहुत हटके होता है, बहुत अलग होता है, तो वो डेफिनेटली आपके लिप्स को थोड़ा क्रैक ही दिखाएगा. इट इज़ नेवर गोइंग टू शो इट स्मूथ. सो ऑल इन ऑल, आई रियली लव द प्रोडक्ट एज एन आई शेडो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू बाय इट बिकॉज इट इज़ अ लिपस्टिक. सो सिंस इट इज मार्केटेड एज लिपस्टिक, आई वुड नॉट अप्रूव ऑफ दिस प्रोडक्ट बाइंग एज अ लिपस्टिक. बट इफ यू लुकिंग फॉर अ गुड मेटालिक आई शेडो, जस्ट गो फॉर इट, इट्स वेरी नाइस. आई रियली लाइक इट, आई रियली लाइक द कलर पे ऑफ. जो शेड बॉटल में है वही शेड आपकी आंखों पे है. सो ऑल इन ऑल, पैकेजिंग, प्राइजिंग, द पिगमेंटेशन, द स्टेइंग पावर, ऑल इज 10 on 10. The only disappointment comes to me is that it doesn't work as a good lipstick, because this is a lipstick. So by saying that, I will wrap up. And so guys, I hope you loved watching this interesting mini review cum swatch video. We'll be back soon with something more interesting, something more exciting. Don't forget to subscribe before you leave my channel and follow me on my Instagram @bronzinggeek. So take care and bye-bye.